हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज़ रक्षा रघुवंशी और ये लेक्चर हमारा मध्य प्रदेश के बजट के बारे में है। 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का बजट कल ही अनाउंस हुआ है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। आपकी एमपी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, एमपीपीएससी या कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा लेक्चर, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमपी का बजट जो है उसमें पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सहायक अनुदान ग्रांट्स से आपका 22% पैसा आएगा। इसके अलावा जीएसटी और विक्री व्यापार, ये जो टैक्सेस हैं उनसे पैसा आएगा 22%, और आय और व्यय पर कर जो लगता है टैक्स है उस पर 19%। इसी तरह से वानिकी सीमा और संघ उत्पाद कर, संपत्ति पूंजीगत लेन देन पर टैक्स लगेगा उससे 5%, राज्य उत्पाद शुल्क 7%। तो ये सभी से जगह से पैसा आएगा इसके लिए। अब यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का बजट है वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने पैसा दिया है, कितना दिया है, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। कितना? 2,41,375 करोड़ रुपए। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। अब किसने पेश किया? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम्स हैं और उनमें कितना पैसा दिया गया है वो देखते हैं। पहले तो जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने के बजट को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले ये जो था वो 1,364 करोड़ रुपये हुआ करता था, अब इसमें 5,962 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार। ठीक है, इसके अंतर्गत 5,000 करोड़ की लागत के 9,800 ग्राम नल जल योजनाएं के हिसाब से काम किया जाएगा। ग्राम नल जल योजना, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए की लागत होगी इसमें। 6,128 करोड़ की लागत की नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ठीक है, इन योजना के हिसाब से ग्राम मतलब गांव के लिए होगा 9,800 ग्राम नल योजनाओं के जरिए। ठीक है, और 6,128 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजनाएं पूरे के पूरे स्टेट में होंगी, इसमें गांव शहर सब में। इसके लिए 2021-22 में 3 लाख घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे इसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो सड़कें, 2021-22 में 5,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जाने का लक्ष्य है। 5,000 किलोमीटर, इसमें से 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी, 65 नए पुल बनेंगी और 105 जो रेलवे ओवरब्रिज हैं वो मंजूर किए गए हैं। ठीक है, रेलवे ओवरब्रिज, रेल ओवरब्रिज 105, 65 नए पुल और 2,441 किलोमीटर सड़कें। ठीक है, इसके अलावा सोलर पार्क बनेगा नीमच, साजापुर, आगर, छतरपुर, मुरैना के जिले के लिए सोलर पार्क मंजूर किए गए हैं। ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट होगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, ओमकारेश्वर में। इसके अलावा 1.27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए 164 नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, इतने हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए 164 नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। छतरपुर जिले की जटाशंकर में रोप वे बनेगा। ठीक है, छतरपुर में जटाशंकर मंदिर है, इसके लिए रोप वे बनेगा और पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए CM राइज योजना, इसके पहले चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, 350 स्कूल्स का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए 1005 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है और 2021-22 में 24,200 नए पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कितने? 24,200 नए पद। ये जो पुरानी वाली वैकेंसी थी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, संविदा की पुरानी वाली वैकेंसी। अब 24,200 नए पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये नई वैकेंसी निकालेगी सरकार। 220 नए सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 9,200 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा, 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, हर गांव में जो स्कूल हैं उनमें बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है और 24 कन्या परिसर एवं 4 गुरुकुलम को CBSE बोर्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और 9वीं से 12वीं क्लास की जो छात्राएँ हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए
एक प्रोजेक्ट है जिसमें घर से उनको लाया जाएगा स्कूल तक, ठीक है, 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए। 5 आदिवासी बहुल जिलों में इसको स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ट्रांसपोर्ट के लिए 5 आदिवासी बहुल जिलों में, ठीक है, बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के विरसा, झाबुआ और धार के धमरपुर, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिया जाएगा, मतलब कि ले जाया जाएगा। जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखिए उज्जैन में ऑलरेडी है क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र, उज्जैन में अभी संचालित है, ये जबलपुर में स्थापित किया जाएगा नया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या नया किया गया है, हेल्थ में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने के लिए मिशन निरामय योजना जो कि केंद्र सरकार की है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर आती है मिशन निरामय योजना, इसको लागू किया जाएगा स्टेट में। पीडब्ल्यूडीज को सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड कराती है ये निरामय योजना, जिसमें 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होता है, ओके। अब वर्तमान में जो हमारे यहाँ MBBS कॉलेजेस हैं तो उनमें 9 नए कॉलेजेस और खुले जाएंगे। कहाँ पर खुले जा रहे हैं ये, श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, सिवनी में खोले जाएंगे, ठीक है, 9 नए मेडिकल कॉलेजेस। अभी हमारे यहाँ पे जो सीट्स हैं वो हैं 2035 सीट्स हैं, इनको बढ़ाकर 2022-23 तक 3,250 कर दिया जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MBBS कॉलेजेस की कॉलेज भी बढ़ाए जाएंगे और कॉलेज बढ़ेंगे तो सीट्स बढ़ेंगी, तो सीट भी बढ़ा के कितनी कर दी जाएंगी, 3,250, ओके। इसके अलावा 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, मतलब कि एक्सीलेंस बनाया जाएगा, इनको बहुत उत्कीर्ण बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में क्या है। देखिए जो हाउसिंग फॉर ऑल योजना है उसके अंतर्गत इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें नई तकनीक से आवासों का निर्माण किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी से जो घर हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल हो गया। अमृत योजना, इसके अंतर्गत सीवरेज और जल प्रदाय कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है अमृत योजना के अंतर्गत। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पेंशन जारी रखेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो है इसमें 60 साल से ऊपर के जो लोग जाते हैं उनको गवर्नमेंट कुछ पैसा प्रोवाइड करती है। इस योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, अब वापस से इसको शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, ठीक है। यहाँ पे चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में 560 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये जो नगर पालिका है उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि अपने काम को और अच्छे से कर पाए। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल में मैंने आपको बताया इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें आवासों को नई तकनीक से बनाया जाएगा, ठीक है। अमृत योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए 900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में क्या होगा, मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिसमें ब्याज परिदान योजना है, मतलब कि ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे, इनसे जुड़े क्षेत्र को औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, इनसे जुड़े क्षेत्र जो हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल जस्टिस की, मतलब महिलाओं के लिए जस्टिस के लिए क्या किया गया है। तो सामाजिक जन चेतना के माध्यम से भी महिला अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। इसके लिए सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है। सम्मान अभियान, ये क्या है सम्मान अभियान, इसका ये आपका नारा है, नारी का सम्मान असली हीरो की पहचान, ठीक है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया है। सम्मान का शुभारंभ 11 जनवरी 2021 को किया गया है। और यहाँ पे ये जो मैस्कॉट है ये गुड्डी, इसका नाम क्या है, गुड्डी, ठीक है। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम, इसके अंतर्गत किया जा रहा है सम्मान अभियान, ठीक है। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में महिला थाना खोले जाएंगे इसके लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जिले में महिला थाना खोले जाएंगे, भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ओके। अब 65,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। 21-22 में 1,000 भवनों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या हुआ है, खेती के लिए क्या हुआ है। अनाज खरीदी के लिए नई योजना प्रदेश सरकार लेकर आएगी। इसके लिए मार्कफेड MP स्टेट कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसका ये फुल फॉर्म है मार्केटिंग फेडरेशन,
ठीक है। इसके लिए मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम को मदद की जाएगी जिससे कि ये नई योजना में काम कर सकें, ठीक है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इनकी मदद के लिए, किसके लिए, मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ओके। इसके अलावा और क्या है, देखिए पीएम सम्मान निधि में केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपये, इसके अलावा राज्य सरकार इसमें 4,000 रुपये प्रतिवर्ष देगी। किसानों को बिना ब्याज ऋण लेने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बिना ब्याज की इनको ऋण दिया जाएगा। जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में मृदा लैब बनेगी। सीएम फसल उपार्जन सहायता योजना होगी लागू जिसमें 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ओके। कृषि साख सहकारी संस्थाएं कंप्यूटराइज होंगी और एक जिला एक उत्पाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जिला एक उत्पाद। 1,000 पंचायत में 1,000 गौशालाएँ स्थापित की जाएंगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी एग्रीकल्चर के लिए है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज सुविधा इसमें विकसित की जाएगी। और प्रदेश के लिए 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, ठीक है, दुर्घटना बीमा योजना, इससे 1,75,000 मछुआरों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य उत्पादन और मत्स्य पालकों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य है, ठीक है। ये जो अनुसूचित जनजाति है उनकी जो बेसिकली उनका अर्निंग कहाँ से होती है, तो ये होती है वनोपज से, ठीक है, वन से जो भी चीज़ें उप जाती हैं उनको ये जाके बेचते हैं, और उससे जैसे कि महुआ चुरंजी वगैरह ये सब, मतलब यहाँ से वन से पेड़ों से ये चीज़ें लेके इनकी आय होती है। अब स्थानीय समाज लघु वनोपज को बेहतर मूल्य मिले इसके लिए उन्हें प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाना है। इसके लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, 13 जिलों के 86 स्थानों में वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है इसके लिए। अब स्ट्रीट वेंडर योजना, इसमें 10,000 रुपये के लोन पर ब्याज नहीं लगेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपये का लोन लेंगे तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। स्वरोजगार योजना ये विकसित की है, इसमें वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हैं को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य बनाया गया है स्वरोजगार योजना, ठीक है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम इसको स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा एकत्व योजना है जो हर नागरिक का एकल डेटा बनेगा। ये योजना क्या है कि एक ऐप होगी जिसमें हर किसी का एक डेटा होगा उस ऐप में, मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे सारा डेटा है, ठीक है। हर विभाग से जुड़ी जो योजना है उनकी जानकारी उसे एक ही जगह पे मिल सके उसको प्राप्त करने के लिए ये जो है परिचय नाम का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। हर जो भी जितनी भी योजना है वो एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है, और उस पर्सन का डेटा भी एक ही जगह पे लगा हो, तो एकत्व योजना, ठीक है, ओके, ये है। इसके अलावा अब हमने ये पूरा का पूरा बजट पढ़ लिया, इस बजट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अच्छी चीज़ है इसमें, तो ना कोई टैक्स बढ़ा है यहाँ पे और ना ही पुराने टैक्सेस में बढ़ोतरी की गई है, तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि टैक्स नया कोई लगाया नहीं गया है और पुराने टैक्स में की कीमतों में भी बढ़ाव नहीं किया गया है, ठीक है। किसानों को सम्मान निधि में 6 की बजाय 10,000 रुपये राशि मिलेगी, ये भी अच्छी चीज़ है। पब्लिक सर्विस एक्ट को सख्त करने से नौकरशाहों का में लगाम कसेगी, पब्लिक सर्विस एक्ट जो है उसको सख्त कर दिया गया है। इसके बाद महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, महिला थाना खोले जाएंगे हर जिले में, ठीक है। पुलिस जो सॉरी पीने के पानी की दिक्कत पर फोकस किया गया है और उसको 3 गुना उसकी राशि बढ़ा दी गई है, अब ये कितनी हो गई है 5,962 करोड़ रुपये इसमें मिलेंगे, ठीक है। नल जल योजना, अब यहाँ पे 2022 में खेलो इंडिया यूथ की मेजबानी, भोपाल में शूटिंग और रोइंग के लिए सेंटर बनेंगे, ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति दी गई है और प्रदेश में 18 खेलों के लिए खेल एकेडमी संचालित की जाएंगी। ये आपका 2022 में खेलो इंडिया यूथ जो है उसकी मेज़बानी मध्य प्रदेश करेगा, तो इसके लिए पैसा दिया गया है। भोपाल में शूटिंग और रोइंग के लिए सेंटर बनेंगे, ठीक है, और जो ग्वालियर है उसमें हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्वीकृति दी गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर में हॉकी के लिए, तो इस तरह से ये खेलों के लिए है। बाकी आपने पढ़ा कृषि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। महिलाओं के लिए सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है, सेफ सिटी सेंटर के अंतर्गत काम किया जा रहा है, ठीक है, हर जिले में महिला थाना होंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अमृत योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और
हेल्थ की अगर हम बात करें तो नए 9 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है, 2 इंजीनियरिंग और 5 पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस हैं उनको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ठीक है। निरामय योजना को राज्य में लागू किया जाएगा, मतलब कि सस्ती स्वास्थ्य बीमा दर होंगी। इसके बाद आपका ये जो है ये एजुकेशन के लिए है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 350 विद्यालयों के विकास करने के लिए, ठीक है। 24,200 पद पर नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, तो ये आपका रोजगार भी हो गया। जबलपुर में एक नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि अभी उज्जैन में भी है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और नर्मदा को पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में आपने कितना देखा, 3 गुना राशि बढ़ा दी गई है। तो ये हमारा पूरा बजट है मध्य प्रदेश का। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।